ब्लड सेंटर के बारे में कि यहाँ पर कितनी व्यवस्थाएं हैं और कैसे यहाँ पर जो है डोनेशन का जो प्रक्रिया रिफ्रेशमेंट रूम है, यहाँ पे आते हैं तो हम लोग जो बैठा के 5 मिनट उनको रेस्ट देते हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए है कि जहाँ पर आपको जूस मिल जाते हैं और जो भी रिक्वायर्ड बिस्किट है पानी है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं जी। अब हम लोग देखिए अब ध्यान रखिए एकदम दिल थाम कर बैठिए, अभी हम लोग जो आगे बढ़ेंगे ना वहां पर आपको वो अत्याधुनिक सारी मशीनें मिल जाएगी जो मशीनें आपको कहीं अन्यत्र देखने को लगभग नहीं मिलने वाली है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप आए और धीरे धीरे आप आगे बढ़े आप आगे बढ़े उनके साथ क्या कुछ बता रहे हैं वो तो ये देखिए, ये मैं आपको पूरा ये बगैर कट की हुई पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए कि आप यहाँ पर जब आएंगे ना तो समय आपका बचे, आप पूरा पूरा का पूरा जो है माँ ब्लड सेंटर के बारे में समझ सके और फिर आगे इस सारी प्रक्रियाओं को जो है जिस जब आप आए करने के लिए तो आपको बड़ी आसानी हो जाए, तो ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये एक्सक्लूसिव है, ये आपको अभी तक इस तरह का टूर जैसा कि मैंने सर्च किया है तो ये टूर जो है वो किसी भी चैनल पर नहीं कराया गया है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। और ये पूरा जो सेंटर है वो देखिए कितना अत्याधुनिक है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये हमारा स्टोरेज है जहाँ पे हम लोग लगभग 600 यूनिट की कैपेसिटी हमारी है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एक ब्लड 3 लोगों के काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूँ, ये खबर बहुत ही जरूरी की है, समाज से जुड़ी है और संबंधित है ब्लड बैंक से। आज हमारी टीम मौजूद है माँ ब्लड बैंक पर, जहाँ की हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये ब्लड बैंक किस तरह संचालित होता है, किस तरह चलता है, कितना अत्याधुनिक है और ब्लड लेने की प्रक्रिया क्या है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो खून की जो बात है, जिस ब्लड की जो बात है, कि आप समझ ही सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप तो इस वीडियो को देखिएगा ही देखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि अन्य लोग भी ऐसे हैं जिनको की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, किन पेशेंट को इसकी तरह जरूरत होती है, तो उन्हें भी मदद मिल सके, इस वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहले अपना परिचय बताइए, क्या करें? मैं मनीष बलेटिया मेरा नाम हुआ और माँ ब्लड सेंटर से हूँ जी। मनीष जी, यहाँ जो ब्लड बैंक में जो व्यवस्था है उसको हम दर्शकों को एक बार दिखाएंगे, क्या क्या कुछ यहाँ पर खास है। आइए, हमारे पास आपको मालूम होगा कि 27 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और समाज को समर्पित किया था, 2 साल हम लोगों ने पूरे किए हैं। यहाँ पे जैसे कोई डोनर आता है तो पहले हमारे गार्ड साहब हैं वो यहाँ पे इनको बैठाते हैं, एंट्री करवाते हैं। करवाने के बाद यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर है, वहाँ पे रिसेप्शन काउंटर पे आप आते हैं, अपना एक रिक्वेस्ट लेटर लेके आते हैं जो कि माँ ब्लड सेंटर के नाम से होता है, टू द मेडिकल ऑफिसर माँ ब्लड सेंटर के नाम से वो लेटर होता है और वो काउंटर पे देते हैं। उसमें हम लोग को ज़रूरत क्या है, हमको एक ब्लड सैंपल चाहिए मरीज का, साथ में एक एप्लीकेशन चाहिए जो कि हॉस्पिटल देता है माँ ब्लड सेंटर के नाम से, उसमें स्टैम्प और साइन मस्ट है। उसके साथ में एक हम लोग डोनर लेते हैं, जो भी आपका ब्लड ग्रुप का चाहिए वो डोनर एक चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि बाय द वे अगर किसी कारण से आपके पास डोनर नहीं है, उस कंडीशन पे भी अगर हम लोग देखते हैं कि ये काउंटर पे इनको पावर दिया हुआ कि अगर जेन्युइन पर्सन है तो उनको बिना डोनेशन के भी हम लोग मुहैया कराते हैं। अगर आपके पास किसी कारण से नहीं है, कोई मरीज के पास 10 यूनिट चाहिए और बदकिस्मती से बाहर से आए 4 या 5 डोनर ही है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि व्यक्ति की जान बचे, तत्काल हम लोगों को एक शपथ पत्र भरवा करके 1 यूनिट या 2 यूनिट से अपनी तरफ से मदद करते हैं। और सेम प्रक्रिया जैसे बिहार सरकार ने तय किया है, 500 रुपये PRBC, 400 रुपये प्लेटलेट और 400 रुपये प्लाज्मा, उसी शुल्क पे हम लोग उनको ब्लड मुहैया कराते हैं। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और आपकी सारी जो जानकारी है यहाँ पर फिल की जाती है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। आपका आगे चलना चाहिए जी, और मैं आपको पूरा टूर करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, पूरा टूर करा रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए पूरी सावधानी पूरी ध्यान से आप देखिएगा। चूंकि सबसे पहले दर्शन होता है, माँ की तस्वीर है जो कि कटरा से मुख्य पुजारी खुद लेकर के आए थे और ये इस वजह से कि जाते और आते मरीज के परिजन आकर के आशीर्वाद ले माँ से और अपने मरीज के सुख भविष्य की कामना करें, स्वस्थ भविष्य की कामना करें जी। देखिए यहाँ पर जो है ना माँ की भक्ति से ही सारा कुछ संचालित होता है, मैं आपको कहना चाहूँगा माँ की भक्ति का बहुत बड़ा यहाँ पर सहयोग योगदान रहा है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं और एक मंदिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा। लेकिन पहले मैं दिखाता हूँ अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ किस तरह से जो ब्लड जो सेंटर है ना वो कैसे चल रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। आप बताएं, जैसे ही कोई मरीज आता है तो उनके लिए जो डोनर अगर लेके आते हैं तो ये हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन रूम है, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी डोनेशन देने आता है तो 3 चीज़ें हम लोग पहले उससे लेते हैं। एक, उनका हेमोग्लोबिन चेक करते हैं कि 12.5% से ऊपर होना चाहिए, वेट चेक करते हैं उनका और उनका BP चेक करते हैं, ये तीनों अगर सामान्य है तो हम लोग उनकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहाँ से फिर मेडिकल एग्जामिनेशन फाइनल होने के बाद फॉर्म हमारा यहाँ आता है, यहाँ पर डोनेशन हम लोग करवाते हैं। तो देखिए ये जो जिस तरह की बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ध्यान रखिएगा, इसको शेयर करिएगा कि चूंकि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको सर पूरी जानकारी रहे और समय बचे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये सारा कुछ जो है
वो सेटअप किया गया है बहुत ही बेहतर तरीके से, और यहीं पर जो है जो डोनर आते हैं वो ब्लड जो है अपना देते हैं, और उससे पहले जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात बताई वो भी आप समझ ही सकते हैं। जी बताइए वो और क्या क्या व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे डोनेशन के बाद एक कार्ड दिया जाता है जिसको आप एक साल तक इस कार्ड के बदले, ये वॉलंटरी डोनर्स के लिए है, जो वॉलंटरी डोनेशन देते हैं एक साल तक इस कार्ड के बदले खुद या किसी मित्र या परिजन को जो है इससे एक यूनिट यहाँ से ब्लड ले सकते हैं, और एक माँ के आशीर्वाद के रूप में उनको हम लोग ये देते हैं। ये सिक्का है माँ के आप देख रहे हैं, ये बहुत माने महत्वपूर्ण है, आशीर्वाद के रूप में यहाँ देते हैं ताकि आपका आपकी भविष्य अच्छी रहे और आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बहुत बढ़िया। देखिए मैं दो बार फिर से मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो दर्शक है ना, ध्यान रखिएगा जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो संभव हो सकता है कि उस समय आपके मरीज की जरूरत ना पड़े, या कोई अगर वॉलंटियरी रूप से आप अगर किसी अपने बर्थडे के समय में या किसी और समय में ब्लड को डोनेट करते हैं तो आपको उसके बदले कार्ड दिया जाता है, और इस कार्ड में सारी सूचनाएं होती है कि आपने ब्लड यहाँ पर डोनेट किया है, और इसको लेकर आप अगर फिर आते हैं जब अपने किसी परिजन के लिए या किसी अपने लिए भी, तो उसके बदले एक यूनिट ब्लड आपको मिल जाता है इसी जानकारी। और ये जो है कम्प्लीमेंट्री है आपके लिए, माँ वैष्णो देवी का जो ये सिक्का है इस पर पूरी छाप है आप देख सकते हैं, और इससे के जो है ये कम्प्लीमेंट्री है आपके लिए, तो ये यहाँ की जानकारी है। जी और बताएं। ये हमारा जनरल ब्लड डोनेशन रूम हुआ, जैसे तीन ब्लड लगे ये काउच लगे हुए हैं, इस पर नॉर्मली देते हैं, एक हमारा बगल में एफआरएसएस रूम है आप देखते हो, एक बार आप इधर दिखा दीजिए। देखिए यहाँ जो है ना आप जब ब्लड डोनेट करने आते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, चूंकि बहुत ही बेहतर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही बेहतर लगा है, मैं बार बार इसे देख रहा हूँ, और चूंकि मैं यहाँ जो आया हूँ जिस समय से, उस समय से जो सारी जानकारी मिली है, मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ जो चेयर है ये भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, जो जो अभी की अत्याधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जो चेयर है वो भी यहाँ पर लगा है, और इसमें आप जब आते हैं तो बड़ी सुरक्षित तरीके से आप यहाँ पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सारी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, जरूर देख लीजिए। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, इसकी जो जब भी कोई पेशेंट यहाँ पर आ जाता है तो उसके बाद क्या क्या यहाँ पर करते हैं, चेकअप करते हैं, इसमें क्या हम लोग जैसे क्या होता है कि जैसे तीन चीजें बाहर चेकअप हो गई, उनके बाद यहाँ पर इनको लौटाते हैं एक आध मिनट नॉर्मल होने के लिए, उसके बाद ये बीपी मशीन लेते हैं ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, उसके बाद लगभग 3 से 5 मिनट की प्रक्रिया है, आपके शरीर से ब्लड निकल जाता है, ब्लड के बाद हम लोग उसको टैपिंग करते हैं और 5 मिनट उनको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, रेस्ट करने के बाद उनको लेकर के बाहर ये रेस्ट रूम में वहाँ पे जगह है वहाँ बैठाते हैं, और रिफ्रेशमेंट का जो एक मेडिकल प्रक्रिया है हम उनको पानी देते हैं, जूस देते हैं, साथ में एक बिस्किट का पैकेट देते हैं, सो दैट कि उनको जो मेडिकली है कि भाई उनको देना है, उनके बाद रिफ्रेशमेंट देना है, देने के बाद एक सर्टिफिकेट और एक कार्ड जो मैंने कहा आपको कि वो एक साल तक आप यूज कर सकते हैं वो हम लोग देते हैं। जी तो देखिए यहाँ पर जब आते हैं ना तो यहाँ पर आपका बीपी चेक कर लिया जाएगा, फिर आपका जो ये इसमें यहाँ पर वेट भी होता है कितना यूनिट, ये 350 ml है, ये ऑटो कट का नियम है, जैसे इसमें बैक होगा 350 जैसे यूनिट हुआ वो ऑटो मशीन कट हो जाती है, आपके ब्लड से निकलना बंद हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर प्रक्रिया जैसे बताया इन्होंने कि 3 मिनट में ही आप सारा कुछ आप कंप्लीट, जो ब्लड जो है वो डोनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर ब्लड जो आपके निकलने का जो बॉडी से लेकर जो बैग में कलेक्ट होता है 3 मिनट में ही कंप्लीट हो जाता है, उसके पहले की सारी प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है, और आपके लिए बहुत ही बेहतर व्यवस्था। मैं फिर कहना चाहूंगा अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आए, माँ जो आपका ब्लड सेंटर है वो यहाँ पर आ जाए, और मैं एड्रेस भी आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको जरूरत भी किसी पेशेंट के तब यहाँ पर आ सकते हैं, अगली प्रक्रिया के लिए हम लोग चलेंगे। देखिए बगल में हमारा रूम है वो एफआरएसएस रूम है, जिसको हम लोग कोविड में या आप डेंगू के टाइम में देखते हैं कि ये बहुत रामवान की तरह काम करता है, ये एक यूनिट ब्लड जो है 50,000 काउंट बढ़ाता है, जो नॉर्मल हम लोग ब्लड देते हैं उसमें प्लेटलेट जो है 5,000 काउंट बढ़ाता है, और इस डोनेशन में प्लेटलेट 40 से 50,000 काउंट बढ़ता है। इसमें अंतर क्या है कि इसमें डोनर जो आते हैं वो रेगुलर डोनर होने चाहिए, और उनका 1 से 1.5 घंटा वो 5 मिनट का प्रक्रिया है, इसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा में क्या होता है आपके बॉडी से ब्लड निकलता है और वो प्लेटलेट को छान करके प्लाज्मा और पीआरबी से आपके बॉडी को वापस कर देता है। एक और इस मशीन की खास बात है कि इस पर जो अगर आप डोनेशन देते हैं तो आप 5वें दिन दोबारा डोनेशन दे सकते हैं, जबकि उसमें आपको 3 महीने बाद डोनेशन देना है, मतलब नॉर्मल जो आप फुल ब्लड डोनेट करते हैं तो आप 3 महीने के बाद कर सकते हैं, उसके पहले आप नहीं डोनेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे प्लेटलेट आप जब डोनेशन करते हैं जिसको जम्बो पैक बोलते हैं हम लोग, एफआरएसएस मशीन है ये, तो उसमें आप 5वें दिन दोबारा ब्लड दे सकते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगा मुझे कि अब इन सारी व्यवस्थाओं को आप देखिए, ये जो माँ ब्लड सेंटर है मैं आपको बार बार दिखाना चाहता हूँ, सारी व्यवस्थाओं से लैस है ये सेंटर, और इसमें जिस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई कि ये जो मशीन है इसमें वही चीज़ें आपके शरीर से निकाली जाती है अगर आप फिट भाषा में समझें, जो कि यहाँ पेशेंट के लिए आवश्यक है, उसके बाद जो ब्लड वो भी आपको जी
आ जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि 5 दिन में यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए वो प्रक्रिया को फिर से आप दोहरा सकते हैं। तो ये यहाँ पर वो व्यवस्था यहाँ पर आप देखेंगे सामने जिनेंद्र ज्योति जी, लोग नॉर्मली भगवान की तस्वीर लगाते हैं या और हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाते हैं। यहाँ पे जिनेंद्र ज्योति जी है जो रोल मॉडल है, इनकी डेथ हो गई, हमेशा रेगुलर डोनेशन करते थे, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे, तो हम लोगों ने इनका इनकी तस्वीर लगाई ताकि ये रोल मॉडल की तरह लोग देखें कि देखिए ये प्रभावित होकर के इनसे जो है लोग बहुत सीखे भी हैं और आगे भी सीखेंगे। जरूर जरूर एक बार जरूर दिखाएं जितेंद्र जो जितेंद्र ज्योति जी हैं। और यहाँ पर मैं एक स्टोरी और करूंगा इस पर कि इन्होंने किस तरह से योगदान दिया है, वो बातें भी मैं आप तक लेकर आऊंगा जो मुझे जैसी जानकारी यहाँ तक मिली है कि इन्होंने रेगुलर ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगवाया, लोगों को मदद की, लोगों को जागरूक किया है। तो ये स्टोरी एक बार और मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा उस समय आने के बाद। लेकिन आप पहले आप देख लीजिए माँ ब्लड सेंटर के बारे में कि यहाँ पर कितनी व्यवस्थाएं हैं और कैसे यहाँ पर जो है डोनेशन का जो रिफ्रेशमेंट के लिए है कि जहाँ पर आपको जूस मिल जाते हैं और जो भी बिस्किट है पानी है वो मिलता है जी। अब हम लोग देखिए अब ध्यान रखिए एकदम दिल थाम कर बैठिए। अभी हम लोग जो आगे बढ़ेंगे ना वहां पर आपको वो अत्याधुनिक सारी मशीनें मिल जाएगी जो मशीनें आपको कहीं अन्यत्र देखने को लगभग नहीं मिलने वाली है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप आए और धीरे धीरे आप आगे बढ़े आप आगे बढ़े उनके साथ क्या कुछ बता रहे हैं वो। तो ये देखिए ये मैं आपको पूरा ये बगैर कट की हुई पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए कि आप यहाँ पर जब आएंगे ना तो समय आपका बचे, आप पूरा पूरा का पूरा जो है माँ ब्लड सेंटर के बारे में समझ सके और फिर आगे इस सारी प्रक्रियाओं को जो है जिस जब आप आए करने के लिए तो आपको बड़ी आसानी हो जाए। तो ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ और ये एक्सक्लूसिव है, ये आपको अभी तक इस तरह का टूर जैसा कि मैंने सर्च किया है तो ये टूर जो है वो किसी भी चैनल पर नहीं कराया गया है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। और ये पूरा जो सेंटर है वो देखिए कितना अत्याधुनिक है, ये देखिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये हमारा स्टोरेज है जहाँ पे हम लोग लगभग 600 यूनिट की कैपेसिटी हमारी है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एक ब्लड 3 लोगों के काम आता है, ये आप देख रहे हैं कंपोनेंट सेपरेटर मशीन है, इसके माध्यम से एक ब्लड को PRBC प्लेटलेट और प्लाज्मा 3 चीज़ों में बांटा जाता है। ये 2 मशीन और एक और खास बात इस ब्लड सेंटर की है कि हम लोग के पास जितनी भी मशीनें आप देखेंगे सबकी 2 पेयर है, किसी कारण से ये ब्रेकडाउन हो गया तो मेरा काम नहीं रुकेगा क्योंकि 360 दिन 24 घंटे सर्विस देनी है। तो हर जितनी भी मशीनें सब 2 है, ये कंप्यूटर सेपरेटर मशीन है साथ में एक और साथ में है। ये आप देखेंगे हम लोग जो 3 चीज़ें बांटते हैं, ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट की सेल्फ लाइफ लगभग 5 दिन होती है और ये एजिटेट करना चाहिए, ये हमेशा हेल्थी रहनी चाहिए, तो ये 5 दिन के अंदर इसकी सेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है। ये हमारे प्लेटलेट डेंगू के केस में काम आता है जी। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि है ना ये सेपरेटेड, क्या बोले आपने इसको, फिर से कंप्लीट सेपरेटर मशीन बोलते हैं जी। तो देखिए टेक्निकल बात तो मैं बहुत नहीं समझ पा रहा हूँ, आप जरूर इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है वो इन सारी चीजों को जो ब्लड में अलग अलग उसको कर दिया जाता है, क्या 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 कुछ बनाते हैं, प्लेटलेट प्लाज्मा और PRBC 3 चीजों में बांटते हैं उसको जो है, एक 2 चीजें और भी बनती है पर जो नॉर्मल जो 3 चीजें काम आती है वो 3 हम लोग यहाँ पे बनाते हैं और सब पेयर मशीन है। याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना जिन बातों को ये देखिए ये एक मशीन दूसरी मशीन, अगर किसी कारण से एक ब्रेकडाउन हो जाए तो दूसरी मशीन से भी काम चल सकता ये है। नॉर्मली ब्लड जो बोलते हैं जो रेड ब्लड जिसको बोलते हैं PRBC है, ये PRBC है, ये 5 डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन होना चाहिए, इसमें रेड ब्लड रहता है जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसमें ये काम आता है जी, उसके लिए ये स्टोरेज है हमारी जी। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए और कोई सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं ना इस ब्लड बैंक के बारे में तो आप हमें कमेंट करिएगा कि हम आपको फिर सवाल का जो जवाब है वो देने हम आएंगे। तीसरी चीज जो हमने बोला प्लाज्मा जी, ये प्लाज्मा है -40 -80 डिग्री की मशीनें हैं ये, इसमें ये रखा रहता है और ये नॉर्मली बर्न के केस में इंटरनल लेडीज ब्लीडिंग के केस में ये काम में आता है। देखिए ये प्लाज्मा को लेकर ये यहाँ पर मशीन है और देखिए टेक्निकल बातें वो यहाँ पर जो बता रहे हैं ना ध्यान से सुनिएगा, अगर आप समझ नहीं पाइएगा तो फिर उसको पैक करके फिर सुनकर समझ लीजिए। जो भी मशीनें हमारे पास 2 है, मैंने हम लोग बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने हर तरीके से 24 घंटा मैंने ये हमारी कैपेसिटी है कि हम अगर किसी आपदा के स्थिति में ये ब्लड बैंक 200 यूनिट तक जो है 6 से 8 घंटे में प्रोसेस करके हम लोग सरकार को दे सकते हैं। जैसे आपने देखा छठ का आपदा था, गांधी मैदान की घटनाएं थी, तो वैसी कोई परिस्थिति में निःशुल्क रूप में हम लोग सरकार को 6 घंटे में उपलब्ध कराने के पोजिशन में जी। तो ये मशीन है और भी इधर भी मशीन कई सारी मशीनें हैं, अगर और हमारे दर्शकों को दिखा दें और मैं आपको फिर से देखिए ये सब एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई आ नहीं सकता लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से लेकर आ रहा हूँ स्पेशल परमिशन के साथ। तो ये बातें यहाँ पर आप इधर भी देख सकते हैं और हमारे दर्शकों को दिखाई दें कि इधर कौन कौन सी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है। और ये जैसा कि इन्होंने बताया कि
सब कंपोनेंट जो भी ब्लड में जो प्लाज्मा है या फिर प्लेटलेट है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर सेपरेट करने के लिए भी मशीन है और सबको रखने के जो प्रक्रिया है वो सब भी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, तो ये आप जरूर देख लीजिए। चलिए आगे और क्या कुछ दिखाया जाता है और कुछ बाकी है याद रखिएगा। अब वो प्रक्रिया से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं ना, जो ब्लड डोनर जब ब्लड देता है उसके ब्लड की जो जो यहाँ पर क्या प्रोसेस किया जाता है, किस तरह से उनके ब्लड को यहाँ पर देखा जाता है, जांचा जाता है, वो सारी प्रक्रिया को भी हम आपको आज दिखाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर तरीके से इससे ब्लड सेंटर को बनाया गया है, माँ ब्लड सेंटर। और हम तो यहाँ की व्यवस्था को देखकर कहते हैं ना कि बहुत ही बेहतर महसूस कर रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर बताइएगा जी। बताइए, देखेंगे जैसे ब्लड हम लोगों ने नीचे दिखाया था, ये डोनेशन दिया जाता है तो सबसे पहले उस ब्लड को ऊपर लेके आया जाता है। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, इसमें रखा जाता है 5 डिग्री टेम्परेचर पर इसको मेंटेन करते हुए। और हमारे ब्लड की बैंक की सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे यहाँ जो हाइजीन मेंटेन और दूसरा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जेल टेक्नोलॉजी से हम लोग जो है इसका प्रोसेस करते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जेल टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं इस ब्लड का। कोई भी इसमें खास बात क्या है कि जब भी आपके पेशेंट को ये ब्लड लगेगा तो 0.001% भी इन्फेक्शन का गुंजाइश नहीं रहता है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि ब्लड जब दिया तो हमको फीवर आ गया, उसको रिएक्शन हो रहा है, खुजली हो रही है, तो इस प्रक्रिया से 0.001% भी ये पोजिशन नहीं रहती है कि आपको कोई ब्लड इन्फेक्टेड होगा या आपको रिएक्ट करेगा। तो देखिए, जब यहाँ पर आप ब्लड के लिए जब आते हैं ना, तो डोनर जब ब्लड यहाँ पर देता है वो सारी प्रक्रिया ये बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लड जब आप देते हैं तब आपको भी कई सारे फायदे हो जाते हैं, कई सारे टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं और फिर उस ब्लड को प्रोसेस कर जब आगे पेशेंट को जाता है तो उसमें किस तरह बेहतरी की जा रही है वो भी हम आपको ये इस माध्यम से दिखा रहे हैं। और कई सारे ये मशीन के बारे में भी अभी बताएं क्या क्या मशीन ये सेंट्रीफ्यूज है। इसमें जो है नॉर्मली जो हम जो ब्लड लेते हैं वो इसमें घूमती है, ये इसको घुमा करके उसके परसेंटेज को जो है मैच करवाते हैं, उस पर प्रक्रिया के लिए काम आती है। जो जब जब कोई पेशेंट का ब्लड सैंपल आता है हाँ। और जब वो फिर आपके पास जो ब्लड क्रॉस मैच करते हैं यहाँ पर, इससे कि कोई किसी भी तरह की मान लीजिए ओ पॉजिटिव भी कोई जरूरी नहीं कि हर ब्लड चढ़े मिले ही। कई बार पोजिशन, अभी एक छोटी सी घटना बताता हूँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप पूरे हिंदुस्तान में 400 डोनर है उसके। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम इसलिए पड़ा कि बॉम्बे के आसपास के एरिया में सिंधी परिवार है कुछ, उनमें ये पाया जाता है। और ये ओ पॉजिटिव का वेरियंट है। एक बच्ची बाहर से आई थी और एम्स में एडमिट हुई थी और बार बार कोई भी ब्लड उसको मैच नहीं कर रहा था, तो उन्होंने ओपन एप्लीकेशन मैंने रिक्वेस्ट लेटर दिया कि आप कहीं से भी ले आइए। पूरे पटना में PMCH NMCH जितने ब्लड बैंक है सब जगह घूम करके उनके पिताजी यहाँ पे परिवार वाले यहाँ पे आए कि ये हमको इसका ब्लड चाहिए। तो हमारे यहाँ टीम है, डॉक्टर UP सिन्हा जी और पूरी टीम है, उन लोगों ने उसको चेक उसका एग्जामिन किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्लड बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इसलिए आपको कहीं नहीं मिल रहा है। तो हुआ कि भाई एम्स ने बोला कि नहीं भाई रिटर्न में आप दीजिए, तो डॉक्टर UP सिन्हा जी ने उनको रिटर्न में दिया कि भाई हमारा ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहीं नहीं है। फिर हम लोगों ने प्रयास करके बॉम्बे से जो है एक सामाजिक व्यक्ति से उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ से वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है हम लोग फ्लाइट से इसको मंगाया यहाँ पे और उसको क्रॉस मैच करके फिर हम लोगों ने एम्स को दिया, जिससे कि बच्ची की जान बची। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर दोबारा जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने फिर कहीं ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर एक डोनर से नांदेड़ से एक डोनर को हम लोगों ने बुलाया और वो आ करके यहाँ पे जो है उन्होंने बच्ची को दिया और जिससे उसकी जान बची। वाह, सैल्यूट है, सैल्यूट है। ये खास बात है, ओ पॉजिटिव का वेरिएंट है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, एम्स जैसी संस्था में उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, पर आपके माँ ब्लड सेंटर की टीम ने उसको डिटेक्ट करके और प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया जिससे बच्ची की जान बच पाई। सैल्यूट है पूरे माँ ब्लड सेंटर की पूरी टीम को जिस इस तरह के सामाजिक कार्यों को जो परफॉर्म जो कर रहे हैं ना। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी जो व्यवस्था है ये हमारे जैसे अभी पटना की बात मैं अभी कर रहा हूँ, बिहार के तमाम जितने भी जिले हैं जिले स्तर पर तो कम से कम होना ही चाहिए जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। फोकस करें रिकॉर्ड रूम में है कि भाई कोई डेटा रखा जाता होगा। ये रिकॉर्ड रूम कुछ खास है, रिकॉर्ड रूम इसलिए खास है कि आज आपने ब्लड डोनेशन दिया, आप आज के 45 दिन बाद आप इस रिकॉर्ड रूम से मांग सकते हैं कि मेरा ब्लड किसको गया, कहाँ गया, किसके यूज आया, कहीं बिक तो नहीं गया, कहीं मिसयूज तो नहीं हुआ। आप उस व्यक्ति से पूछ करके पर्सनली पूछ सकते हैं कि भैया हमने ब्लड दिया था आपको चढ़ा कि नहीं चढ़ा, आपसे क्या प्रक्रिया में आपको मिला, वो सारी चीजें जो है आप पूछ सकते हैं उससे। तो मतलब एकदम कंप्लीट पारदर्शिता के साथ, क्योंकि ये संस्था बहुत पुरानी संस्था, 2009 से संस्था बनी माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार, और हमारा उद्देश्य समाज सेवा है। और काफ़ी दिन से हम लोग सरकार के माध्यम से प्रयास कर रहे थे बट नहीं होने के बावजूद जो है फिर हम लोगों ने अपने माध्यम से 600 लोगों के माध्यम से पूरे समाज के माध्यम से इस ब्लड बैंक को बनाया है।
रिकॉर्ड रूम, जैसा कि इन्होंने बताया, मैं महसूस करता हूं कि जितने भी हमारे डोनर हैं उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका ब्लड कहाँ जा रहा है, ब्लड आपको जो आपने दिया है उसकी सारी सारे सारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और एक जो अत्याधुनिक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अत्याधुनिक मशीन की बात मैं बता रहा हूँ, वो इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर ये जो मशीनें लगी है ना, ये मशीन बिहार स्तर पर अगर बात की जाए तो बहुत कम ही जगहों पर यह मशीन होगी। मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये मशीन लगभग जगहों पर नहीं मिलेगी, वो दूसरी मशीन होती है, ये बहुत ही हाईटेक मशीन। क्या बताएंगे? खास बात ये है कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि ब्लड देते हैं तो हम लोग किसी दूसरे पहचान नहीं करते, सबसे ज्यादा हम अपना फायदा करते हैं। अपना फायदा क्या करते हैं, जैसे हमने नीचे दिखाया कि आप हेमोग्लोबिन चेक करते हैं, आपका बीपी चेक होता है, आपका वेट चेक होता है, वो तीन टेस्ट हुए। ये ब्लड देने के पहले टेस्ट है जिसमें एलिजिबिलिटी होती है कि आप ब्लड दे पाए। उसके बाद जब आप ब्लड दे देते हैं, उसके बाद ये मशीन है, अबॉट की मशीन है और लेटेस्ट मशीन है बिहार में, ब्लड बैंक में कहीं नहीं अवेलेबल है ये। और इसकी खास बात क्या है कि पांच टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया, एचआईवी, ये पांच टेस्ट हैं जो कि ऑटो आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इसमें होता है। इसका खास, इस मशीन में खास बात क्या है कि इन्फेक्शन का विंडो पीरियड 15 दिन का होता है, यानी 15 दिन के अंदर इस कोई भी बीमारी अगर आपके बॉडी में आती है तो ये डिटेक्ट करती है। नॉर्मली स्लाइड में जो और ब्लड बैंक में होता है, स्लाइड से हम लोग चेक करते हैं, उसमें 3 महीनों के बाद का कोई अगर इन्फेक्शन है तो आपको मिलेगा। इससे 15 दिनों के अंदर में भी अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो आपको मिलेगा। इससे मैंने सैकड़ों बच्चों की जान बची सिमेज में और कई कॉलेजेस में हम लोगों ने कैंप किया, उसमें यंग बच्चों जिसके हेपेटाइटिस बी है, सी है, सिफिलिस, मलेरिया है, इस टाइप की बीमारियों को जो है डिटेक्ट किया और उन्होंने तुरंत इलाज कराया और उससे बच पाए। देखिए ये बात मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, यहाँ पर जिस मशीन की चर्चा अभी हो रही है ना, ये जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसी समय आपके ब्लड सैंपल से यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं, और जिस जिस गंभीर बीमारी के बाद, जैसे इन्होंने कही एचआईवी है, जैसे हेपेटाइटिस है, जैसे कि आपका मलेरिया और ये जो सारी बीमारियाँ जिन्होंने बताई है, तो इन सारी बीमारियों का यहाँ पर जांच हो जाता है और वो आपको फिर से काउंसलिंग कर आपको उसको बता भी देते हैं कि आपको समस्या है। हम लोग फॉलोअप करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि ऐसे बच्चे, ऐसे जो लोग हैं जो डोनेट करने तो आए थे, बड़े शौक से आए यहाँ पर या किसी माध्यम से यहाँ पर आए और उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पास कोई समस्या है, तो उन लोगों को मदद मिल रही है। और इस तरह से इन्होंने जैसे कहा कि सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों लोगों की जान भी बच गई है क्योंकि उन्हें समय से पता चल गया है कि उनके शरीर में इन्फेक्शन होने वाला है या 15 दिन के अंदर ही कोई इन्फेक्शन लगा है तो उस जो स्प्रेड करने से पहले उनकी जानकारी मिल गई है। तो ये इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी टीम को, इस तरह की मशीन की उपलब्धता यहाँ पर उपलब्ध कराई। एक और मैं मशीन दिखाऊंगा, हम लोग नॉर्मली थैलेसीमिया पे रेगुलर करते हैं, HB2A टेस्ट की मशीन एक है। नॉर्मली दो थैलेसीमिया माइनर की शादी होती है तो मेजर बच्चे पैदा होते हैं, तो अगर शादी के पहले जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं कुंडली मिलान करते हैं हम लोग, तो कुंडली मिलान के साथ साथ में अगर HB2A टेस्ट अगर करवा लें तो दोनों का पता चल जाएगा कि दोनों मियाँ भी, माने जो पति पत्नी होने वाले जो हैं वो थैलेसीमिया माइनर नहीं है। अगर माइनर है तो वो उस जगह जो अपनी शादी रोक दे ताकि उससे थैलेसीमिया मेजर बच्चों की संभावनाएं होती है। तो बहुत छोटा सा टेस्ट है ये और नॉर्मली नहीं कराते हैं। हम सब गायनीज से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपके माध्यम से भी करेंगे कि आप जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो कई तरह की प्रक्रिया आप पूरी करते हैं या टेस्ट कराते हैं, HB2A टेस्ट जरूर करा लें कि अगर किसी कारण से अगर शादी हो भी गई उसके पहले भी नहीं हुए तो वैसे बच्चे धरती पर नहीं आए, उसको हम लोग पहले ही रोक सकें ताकि ये जो ब्लड हर 15 दिन पे चढ़ता है वो बर्बाद ना हो, वो जरूरतमंद के काम है। बहुत बढ़िया। और मैं तो कहना चाहूंगा, जैसे आपने कभी शादी की बात की है, कुंडली मिलान की बात की है, तो मैं तो एक बार ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो है ना, आप शादी करने से पहले एक बार यहाँ आकर ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, जैसा कि रिंग सेरेमनी होती है उससे पहले एक बार कोई कोई ऐसा जब शुभ मुहूर्त आता है यहाँ पर ब्लड डोनेट भी कर ले, और उसके बाद सारी प्रक्रिया को यहाँ पूर्ण करने के बाद ऑटोमेटिक आपको रिपोर्ट मिल जाएगा और वो मिलान कर ले, जिससे कि अन्य लोगों का भला भी हो जाएगा और वो आपकी शादी के लिए भी बेहतर रहेगा। हम लोग स्वार्थी बहुत होते हैं तो हम लोग ये नहीं सोचे कि हम लोग किसी का फायदा कर रहे हैं, हम अपना स्वार्थ देखें कि हम ब्लड देंगे तो हमको क्या फायदा होगा, हम दूसरे के हमको इनका बेनिफिट, हमको उससे कोई मतलब नहीं, पर अपना बेनिफिट तो देखें। तो ये हम लोग 5 और 3-8 प्रक्रिया है जिनको हम लोग कराते हैं और इससे स्वस्थ रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका नया ब्लड बनता है हमेशा, और ये कम से कम नॉर्मली हम लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। नॉर्मली जब तक हमारे, कई बार देखते हैं चलते चलते किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को किडनी फेल हो गई, तो वो चलते चलते नहीं होता, धीरे धीरे बॉडी में घुल बंद करके वो बढ़ता है, लोगों को मालूम नहीं चूंकि टेस्ट नहीं कराते। ये आने से क्या है कि रेगुलर आप टेस्ट कराते हैं और इसके माध्यम से आपको पता चलता है। तो ये देखिए, ये जो टूर मैंने आपको कराया है, ये सारी मशीनों को आपको मैंने दिखाया है
और ब्लड डोनेशन कितना फायदेमंद है वो आप तो जानते हैं, एक बार गूगल करेंगे ना तो पता चलेगा कई सारी चीजों को आप फायदा आपको मिलता है। उसमें एक टेस्ट की प्रक्रिया से भी आप गुजर जाते हैं, उसके बाद जो आपका जो फ्रेश ब्लड आपके बॉडी में बनने लगता है, फिर और क्या क्या बातें आपके एक बार मतलब बताइए, ब्लड डोनर को क्या क्या फायदे हो जाते हैं? डोनर को देखिए, सबसे पहला तो उनका फ्रेश ब्लड आता है बॉडी में, आपका जो सर्कुलेट होता है ऐसे भी नॉर्मली जो बोलते हैं कि एक महीने में आपका ब्लड चेंज होते रहता है, तो एक तो आपका फ्रेश ब्लड आया, आपके इसे टेस्ट हुए सारे, तो बीपी हार्ट की बीमारियां, शुगर की बीमारियां, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो मेडिकली प्रूव्ड है कि ब्लड रेगुलर डोनर को ये प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे ऐसे डोनर हैं जो 98 बार 99 बार ब्लड दे चुके हैं और हंसते हुए आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको मैंने लगता है कि हम 18 साल के यंग आदमी। तो रीज़न यही है कि आप रेगुलर दे रहे हैं तो आप अपने आप को एक तो बीमारी नहीं है ये पता चल रहा है। कई ऐसे डोनर हैं, लेडीज डोनर हैं हमारे आई कि भाई 12 ग्राम हमारा हेमोग्लोबिन आया, 11.5 आया, तो आए आप देने के तभी तो पता चला 11.5 आप एलिजिबल नहीं है। तो आप मेहनत करते हैं, आप खाते हैं, अपनी बॉडी को और सही करते हैं कि सो दैट कि आप अपने आप को हेमोग्लोबिन सही करें, तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है जी। तो ये बहुत ही बेहतर है और हम आपको दिखाएंगे, एक मंदिर भी आपको दिखाने वाले हैं कि सारी चीजों को किस तरह से आरती जी देखिए, अभी आप सॉफ्टवेयर पे देख रहे हैं काम हो रहा है। आरती जी, आरती चौधरी जी हैं, ये लगातार 2 साल से सेवा दे रही हैं यहाँ पे, इनके प्रतिक्रिया लेंगे, यहाँ पे काम कर रही हैं, क्या लग रहा है कि वर्कर के हैसियत से काम करती हैं, मेंबर के हैसियत से, और क्या मतलब इनको फील हो रहा है जी, बताएं कैसा लग रहा है आपको? अजय, हम लोग समाज जो सेवा होता है उसी अकॉर्डिंग हम लोग सेवा कर रहे हैं, एक मौका मिला है भैया लोग के तरफ से सेवा करने का, नहीं तो ऐसे ना पैसा से किसी को सेवा कर पाते थे ना देश से सेवा, क्योंकि पता नहीं था कि कहाँ पे क्या सेवा होता है। इन लोग के मदद से एक छोटा सा ट्रस्ट के माध्यम से खुला है ब्लड बैंक, जिनके माध्यम से हजारों या सैकड़ों जो भी है लाखों की संख्या में पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं, उनकी हम लोग मदद कर पाते हैं। इससे बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि कुछ तो है जिससे हम लोग सेवा कर पाते हैं, देख के पसीना से ही उनका हम लोग सेवा करते हैं। जरूर, तो एक बात बताएं, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे आपके साथ जो आपकी सहेली होगी लोग होंगे, तो वो सब लोग नौकरी के पीछे भागते हैं और आपको यहाँ अगर संतुष्टि मिलती है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवा, ऐसे युवतियाँ जो पढ़ाई कर और नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सेवा को लेकर? यही कहेंगे कि ठीक है पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, नौकरी आप खोज रहे हैं अपने करियर बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मौका ऐसे पेशेंट या ऐसे आदमी लोग को दीजिए जो गरीब है, जो अपने आप से अपनी सेवा नहीं कर पा रहे, मजबूरी है कि वो कहीं से ब्लड नहीं ले पा रहे हैं, मजबूरी है कि यहाँ से यहाँ दौड़ रहे हैं, उनके पास आदमी नहीं है कि कोई हमको खून देगा तो हम जी पाएंगे। लेकिन ऐसे ही अगर आप तो आप संतुष्ट है कि नहीं हम स्ट्रांग हैं, डोनेशन कर पा सकते हैं, तो आप आ करके यहाँ नहीं दुनिया के कोई कोना में जा करके पेशेंट का मदद कर दे, खून से बड़ा कोई चीज नहीं। आप अंग दान दे रहे हैं, सबसे बड़ा दान दे रहे हैं, पैसा दान देने से कोई दान नहीं होता, आज दिए कल उनके पास खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अंग देंगे ना तो उनके पास वो जिंदगी भर रहेगा जब तक वो जिंदा रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के युवाओं की सोच के साथ हमारा बिहार बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में अब जो युवा हैं, जो लोग हैं, जो युवतियां हैं, ये इसी तरह से जो काम करेंगे ना तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, और एक विश्व गुरु की बात जो हम लोग करते हैं ना वो तो बन पहले से हमारा देश बहुत ही समृद्ध रहा है, और अब समृद्धि के उस जो दायरे को भी हम लोग पार कर रहे हैं जो कि विकासशील और विकसित देश की बात होती है। तो आगे बढ़े, हम आपकी मदद के लिए हम आगे आ गए थे, और देखिए यहाँ पर अब जो बातें हैं जो आपकी भावनात्मक रूप से आपकी मदद करती है, ऐसे धर्म सभी समान ही हैं, धर्म के जो 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 मार्गदर्शन है, धर्म के माध्यम से जो लोगों को शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ है भाईचारा, वो सिर्फ है मानवता, और वो सारी बातें यहाँ पर आपको इस मंदिर में भी दिखेगी। और जैसे कि बात है कि आप दर्शन कर लें और माँ वैष्णो देवी से मनाए कि आपके यहाँ कोई समस्या ना हो, और आप ये भी मनाएं कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो पीड़ित मानवता की सेवा करने का आपको मौका मिल सके। तो सभी लोगों का इसी माँ वैष्णो माता की मूर्ति के दर्शन के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को शेयर करें। आप देखते हैं कि हम लोग कहाँ से प्रेरणा मिलती है समिति की, पूरे समिति परिवार की मार्गदर्शन माँ बैठी है, साक्षात माँ यहाँ पे विराजमान है, वैष्णो देवी माँ का दरबार है यहाँ पे, और यहाँ के ब्लड में डॉक्टर्स हॉस्पिटल सब बोलते हैं कि यहाँ के ब्लड में तेज है। आप नीचे देखे होंगे जितने भी कर्मचारी हैं वो कर्मचारी नहीं समझ करके उनके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है। अगर आप आएंगे किसी कारण से हमारे यहाँ ब्लड नहीं है, नहीं भी मिलेगा, तो आपको ये नहीं फील होगा कि आपको मैंने किसी मैंने लौटा दिया जा रहा है, मजबूर है
ऐसी स्थिति में कई लोग पैसे देने की स्थिति में भी नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति मेंबर बना है, कोई भी यहाँ पे खड़ा है, उनके बिहाफ में पेमेंट रसीद कटवा करके उनको ब्लड देता है। तो ये माँ का आशीर्वाद है कि एकदम, और ये हॉल आप देख रहे हैं, ये पूरा हॉल जो है यहाँ पे महामहिम राज्यपाल का कार्यक्रम हो चुका है, सारे अभी प्रशासनिक पदाधिकारियों का कार्यक्रम हुआ है, तो समाज के हर तबके के लोग यहाँ आते हैं और अपने अपने सहयोग से यहाँ कैंप लगता है, गुरु रहमान का कैंप लगता है और भी बड़े कैंप जो 50 या 40 यूनिट से ऊपर होते हैं, हम लोग इस एरिया में करते हैं इसको। और कार्यक्रम होता है ब्लड से रिलेटेड, अगर कोई संदेश देना हो समाज को या कोई समाज के नामचीन व्यक्ति आते हैं तो इसी जगह पे हम लोग इस कार्यक्रम में, इस हॉल में कार्यक्रम करते हैं। जी मनीष जी, अगर कोई ऐसा ऐसे व्यक्ति है या जो जो कोई संस्था चलाते हैं और अपने पूरी टीम के साथ अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो वो बात यहाँ पर भी वो हम लोग करते हैं। ये हॉल है, यहाँ पे हम लोग 15 काउच लगाते हैं जिसपे हम लोग जो है एट ए टाइम, एक टाइम में 15 यूनिट एक साथ हम लोग ले सकते हैं। देखिए ये भी बहुत ही बेहतर है, अगर आप भी कोई संस्था से जुड़े हैं, जैसे कि गुरु रहमान की बात उन्होंने करी है और भी आप संस्था से जुड़े हैं जहां पर ब्लड के डोनेशन के लिए को लेकर कोई लोग इच्छुक हैं तो यहां अपनी टीम के साथ भी आ सकते हैं और ये पूरी सारी व्यवस्था आपकी मदद के लिए है और आपका वो सारा कुछ टेस्ट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और आपका फायदा पहले हो जाएगा, फिर उसके साथ ही समाज की भी जो वो व्यक्ति जिन, खास बात है कि अगर आपके पास जगह नहीं है, आपके पास खर्च की दिक्कत है, अगर आप इच्छुक हैं, आपके पास डोनर है तो आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 1 रुपये का भी किसी रूप में खर्च नहीं होगा और आप साक्षात के सामने, साक्षात मां बैठी है उसके सामने आप रक्त दे सकते हैं, तो ये बड़ी बात है, प्रेरणा भी मिलता है। आपको कुछ नहीं करना है, पूरे यहाँ पे सेवक, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, आप आराम से यहाँ पे, और आप अगर हड़बड़ी में हैं तो 24 घंटे सेवा देते हैं हम लोग यहाँ पे और आपका काम नहीं रुकेगा, आपको बहुत देर नहीं रुकना होगा, 10-15 मिनट की प्रक्रिया है, आप ब्लड देकर के आराम से जा सकते हैं। चलिए तो यही आखिरी हम लोग यहाँ तक हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को अंत करेंगे, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा ये एक शुरुआत है और बेहतर शुरुआत के साथ मनीष जी आप एक बार आ जाएं और हम माँ के दरबार में ही आकर हम आपको ये सारी वीडियो का जो इस वीडियो का जो अभी अंत करेंगे, हम आपसे फिर से कहेंगे कि देखिए ये सारी जो व्यवस्था है ना, फिर से मैं कहना चाहूँगा जो आपने देखा है यह कोई बिजनेस नहीं है, ये एक सेवा है और सेवा ये ट्रस्ट के माध्यम से चला जाता है। एक बार उसकी बात भी बता दें कि ये कैसे चलता है और किस तरह ये ट्रस्ट से मैनेज होता है। देखिए ये महावैष्णो देवी सेवा समिति परिवार हमारा 2009 में रजिस्टर्ड संस्था है, हम लोगों ने कैंप के माध्यम से, सरकार के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं दी, फिर लगा कि बिहार में लोगों को एक्सपेक्टेशन हो गया कि माँ वैष्णो देवी को फ़ोन कीजिए, मुकेश जी को फ़ोन कीजिए, तुरंत में उनको ब्लड मिल जाएगा, तो एक हमारी लिमिटेशन थी। सरकारी ब्लड बैंक के माध्यम से हम लोग हमेशा कैंप कर रहे थे पर हमारा एक लिमिटेशन था। उसके बाद हम लोगों ने सरकार से बहुत प्रयास किया कि सरकार से एक जमीन मिल पाए, चूँकि हमारे पास बहुत सारे सीमित साधन थे, हम लोगों के पास छोटा सा रकम था जो कि हम लोगों ने पिछले 10-12 सालों में बचाया था। तो फिर सरकार ने कहा कि सब कुछ आपके सुझाव मानेंगे पर आप इसमें नहीं उतरे, आप व्यापारी हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, आप ये सेवा का कार्य नहीं कर सकते क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है। फिर एक बार माँ का आशीर्वाद मिला और सब लोग बैठे थे और हुआ कि हम लोग काम करेंगे। जमीन हम लोगों ने 2019 में संस्था ने परचेस की और 2 सालों में इसको बना करके 2022 में 27 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया है। और ये जो माँ का दरबार देख रहे हैं, पुजारी जी, मुख्य पुजारी कटरा से आए थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे, पहली बार बिहार में आए थे, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा दी है यहाँ पे, तो उसी तरीके से कारवा चलते रहा। हमारा एक जो प्रोसेसिंग है वो 1400 रुपये लगभग लगता है और सरकार ने 500 रुपये 400 रुपये 400 रुपये फिक्स किया है। हमारा प्रयास था कि हम लोग फ्री तक कर दें पर चूंकि हमारे भी एक लिमिटेशन है, संस्था डोनेशन पे चल रही है तो अभी लगभग महीने का 6.5 से 7 लाख रुपये खर्चा है। तो ये जो डिफरेंस गैप जो है वो हम लोग, कुछ लोग 40-50 लोग जो है महीने का 5000 रुपये जमा करके इसको हम लोग पूरा करते हैं, कुछ हमारे पास फंड्स हैं जिसका ब्याज से आता है और बाकी प्रोसेसिंग फीस से, तो इस तरीके से इसको हम लोग चला रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर सबका साथ रहा और व्यवस्था रही तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे गवर्नमेंट के से परमिशन लेकर के, कि किसी को भी ब्लड के लिए माने पैसे देने की जरूरत नहीं हो, हम लोग निःशुल्क व्यवस्था कर पाए। जी मनीष, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि डोनेशन से संस्था चलती है, अगर ऐसे कोई हमारे व्यूअर हैं जो देख रहे हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं तो वो किस प्रक्रिया से आपको मदद कर सकते हैं? देखिए पहले ऐसे मैं खाली देख करके हम लोग नहीं चाहेंगे, आप पहले माँ के दरबार में आइए, पहले व्यवस्था देखिए कि कैसी व्यवस्था है, उसके बाद हमारे ATG 12वे की सुविधा है, हमारे गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड फॉर्म है, हमारा बैंक अकाउंट है, अगर आप चाहेंगे आप उसमें दें। पर पहले ये जरूर बोलूँगा, डोनेशन बाद की चीज़ है, पहले अपनी भावना को जोड़ें, पहले आएँ यहाँ देखें कि क्या सेवा हो रही है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, उसके बाद आप अगर जब जुड़ गए तो फंड तो बाद में आएगा, फंड के चलते कोई काम नहीं रुकता है, पर पहले आप आएँ उसके बाद फिर हम लोग इस चीज़ पर बात करेंगे, पहले देखें इस चीज़ को, यहाँ की प्रक्रिया कैसे, कुछ अपना सुझाव दें।
जी बहुत बेहतर, जैसा कि मनीष जी ने बताया, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूरा इस टूर को करा दिया है और हमारे इस वीडियो के माध्यम से अब सैकड़ों हजारों लाखों लोग देखेंगे इस सेंटर को और इससे प्रेरणा मिलेगी। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि माँ के दरबार में हम लेकर आपको लेकर आए हैं आखिरी में, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को बेहतर बनाकर रखें कि अगर समय पड़े तो किसी दूसरे की मदद कर सकें, जिससे कि जो यहाँ पर जो व्यवस्था बनी है ब्लड डोनेशन को लेकर। फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन का जो यहाँ पर जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, इसमें सबसे पहले आपका फायदा है और इन सारी प्रक्रियाओं में आप अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकते हैं इन सारी चीज़ों के माध्यम से। तो आप जरूर यहाँ पर संपर्क करें, मिलें, यहाँ को देखें और फिर अपने स्तर पर समाज की सेवा, लोगों की मदद करने के लिए बढ़ें और डोनेट जो जो ब्लड डोनेशन की जो बात है वो आपको पूरा करें। तो पुनः आपका मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी चौपाल समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के माध्यम से हम अपनी बातों को आगे तक रख पाते हैं। आप जैसे पुण्यात्मा आते हैं यहाँ पे तो सब लोग कुछ ना कुछ आप दे के जाते हैं, अपनी भावनाओं को दे के जाते हैं, अपना आशीर्वाद दे के जाते हैं। उसी के बदौलत यहाँ पे चल रहा है, 2 साल का प्रक्रिया पूरी की है और आगे भी इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल समाचार का, आप लोगों का, कि आप इसी तरह से आते रहे और चीज़ों को समाज तक पहुंचाएं ताकि ये चीज़ें लोगों में जागरूकता आए और लोग लाइन लगाकर ब्लड दें और कभी भी कोई ब्लड के चलते कभी भी किसी को समस्याएं ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी खबर हम आपके बीच लेकर आते हैं। इसलिए आज तक आप चौपाल समाचार से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे। कमेंट के रूप में सहयोग दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सी जानकारी आपको इसमें आपको इससे जो ब्लड बैंक के बारे में चाहिए हम आपके बीच लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।